गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज. हिली एरिया के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को और बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं, जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल असिस्टेंस कौन कौन प्रोवाइड कराता है, उसमें आज बेटा हम सेवंथ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. उस सेवंथ यूनिट का नाम है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड. क्या नाम है इसका? द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSIC. है क्या ये बेटा कॉरपोरेशन? द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज सेट अप इन 1955 एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के नीचे, मतलब केंद्र की सरकार के द्वारा 1955 को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका एक सेटअप तैयार किया गया 1955 में. किसकी अंडरटेकिंग्स में? सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में. इट इज ऑब्जर्व दैट द मेन कंसर्न ट्रेंड फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स इज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स टू परचेज मशीनरी एंड इक्विपमेंट. इसका मेन पर्पज क्या था, ये देखा गया उस टाइम पीरियड के जो एंटरप्रेन्योर थे, जो उद्योगपति थे, उन्हें बेटा फंड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें मशीनरी और इक्विपमेंट को खरीदने में प्रॉब्लम आती थी. इसका मतलब उनके पास पैसा कम था, जिसके कारण वो मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स हैं वो टाइम पे नहीं खरीद पाते थे. इसका मतलब इन इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि ये पैसे की तंगी के कारण इन बेचारों को मशीनरी को खरीदने में और इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी हैं, उपकरण वगैरह जो हैं, उनको खरीदने में इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिप्राइव्स मैनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अवेलिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज. अब बेटा जब सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें इस तरीके की जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो ये यूनिट एस्टेब्लिश की गई ताकि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाए. इसका मतलब उनकी पैसे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि इन एरिया में रहने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके. किसके द्वारा? NSIC यूनिट के द्वारा. अब बेटा हेड ऑफिस इसका कहाँ है? द हेड ऑफिस ऑफ NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ है? इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है विद 4 रीजनल ऑफिसेस. इसके 4 रीजन लेवल पे भी ऑफिसेस हैं इनके. कहाँ कहाँ? एट न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. 4 इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो न्यू दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा कोलकाता में है और चौथा चेन्नई में है. एंड 11 ब्रांच ऑफिसेस एट इम्पोर्टेंट सिटीज शुड ओवर द एंटायर कंट्री. और सारे देश में इसके जो है 11 ब्रांचेज हैं, जो 11 जगह पे इनके ऑफिसेस हैं सारे देश के अंदर. क्या? एंड 11 ब्रांच ऑफिसेस एट इम्पोर्टेंट सिटीज स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री.
सारे देश के अंदर इसके जो है 11 ब्रांच ऑफिसेज भी हैं। हेड ऑफिस दिल्ली में है, 4 रीजनल लेवल के ऑफिस है इसके। वो ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। और सारे देश में इसके कितनी ब्रांचेज हैं? 11 इसके ब्रांचेज हैं। NSIC प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। NSIC जो है सर्विसेज की बहुत बड़ी हमें रेंज प्रोवाइड कराता है, मोस्टली प्रमोशनल इन नेचर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका मेन पर्पस स्मॉल स्केल की नेचर वाली जो भी इंडस्ट्री है उनको प्रमोशन में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी स्थापना में कोई दिक्कत आ रही है, कहने का मतलब है छोटी इंडस्ट्री को दिक्कत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनकी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट कर देता है ताकि उनको मशीनरी खरीदने में या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने में इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इस यूनिट का नाम क्या था? NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब बेटा इस यूनिट के फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो ये इंस्टीट्यूशन है, इसका काम क्या क्या है? पहला इसका काम है प्रोवाइड्स इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेंट मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। दुर्लभ लेवल की कोई मशीनरी है जिन्हें इन छोटे इंडस्ट्रीज को खरीदने में दिक्कत होती है, तो इन इंडस्ट्रीज को, इन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिजीनियस लेवल की, इम्पोर्टेंट लेवल की मशीनरी हायर परचेज बेस पे प्रोवाइड कराई जाती है। किसी ने खरीदना है तो खरीदवाई जाती है और किसी को किराए भाड़े पे लेनी है तो किराए भाड़े पे भी दिलवाने की यहाँ पर पूरी इनके लिए क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। और ये काम करने में NSIC जो यूनिट है इनकी हेल्प करती है। तो पहला इसका फंक्शन का पॉइंट क्या था? प्रोवाइड्स इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेंट मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। सेकेंड है प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट्स ऑन लीज बेसिस। इन्हें जो अलग अलग तरीके के कोई उपकरण भी चाहिए, कोई टूल्स वगैरह चाहिए, कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भी इन्हें लीज बेसिस पे, किराए भाड़े पे दिलवाने की यहाँ पर क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। तो ये पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट्स ऑन लीज बेसिस। थर्ड है प्रोवाइड्स स्कार्स रॉ मटेरियल। दुर्लभ तरीके का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो दुर्लभ है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता, उस रॉ मटेरियल को भी, जो दुर्लभ है, जो आसानी से नहीं मिलता, उन्हें भी प्रोवाइड कराने में ये इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके का रोल प्ले करती है। तो ये पॉइंट क्या है? प्रोवाइड स्कार्स रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ SSIs। स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी कोई दिक्कत आ रही है, इन्हें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जानी है, इसके लिए भी ये इंस्टीट्यूशन इनको असिस्ट करती है, इनके सहायक के रूप में क्या करती है? काम करती है। तो ये पॉइंट क्या है? असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ SSIs। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ SSIs। स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, दूसरे देशों में भेजने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की एक्सपोर्टिंग में भी ये NSIC जो यूनिट है उनको उनके माल को निर्यात करने में भी
उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद है प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू वर्कर्स ऑफ एसएसआई इन वेरियस ट्रेड्स। एसएसआई यूनिट के जो वर्कर्स हैं उन्हें अलग अलग ट्रेड में कहीं काम करने में दिक्कत आ रही है, उन्हें काम करना नहीं आता, तो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी इन यूनिट के वर्कर्स को कहीं काम करना नहीं आता, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो उनके अंदर स्किल डेवलप करवाने में टाइमली ट्रेनिंग को कैसे दिया जाना है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में भी ये यूनिट स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने में उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद है हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना है, पुरानी तकनीक के बजाय नई तकनीक को अपनाना है, पुरानी मशीनों के बजाय नई मशीनों को लाना है और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में भी जो एनएसआईसी यूनिट है ये यहाँ पर हेल्प करती है ताकि टेक्नोलॉजी का टाइमली अपग्रेडेशन किया जा सके, नई तकनीक को यूनिट पे अप्लाई किया जा सके। उसके बाद है एस्टेब्लिशेस इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे स्टेट को एस्टेब्लिश करना है, वो यूनिट पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट बनानी है, तो इस तरीके की इंडस्ट्रियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने में भी एनएसआई यूनिट एंटरप्रेन्योर्स की इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रियल एस्टेट को एस्टेब्लिश करने में भी उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद है प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज, सलाह मशवरा से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है, टाइमली किसी को सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, तो एडवाइस और सजेशन को प्रोवाइड कराने में भी इन एंटरप्रेन्योर्स की इन इंडस्ट्रीज की हेल्प जो है एनएसआईसी यूनिट के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट क्या था, प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज। उसके बाद है लास्ट पॉइंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एट रीजनेबल रेट, इन एंटरप्रेन्योर को इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की भी यदि जरूरत है तो एंटरप्रेन्योर को रीजनेबल रेट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का भी ये यूनिट क्या करती है, काम करती है। क्या, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एट रीजनेबल रेट, रीजनेबल रेट पे रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराने में भी ये यूनिट हमारे एंटरप्रेन्योर की, हमारे जो यूनिट है उनकी हेल्प करती है। तो ये इसके फंक्शंस थे, क्या क्या थे मैं दोबारा से बोल रही हूँ फंक्शंस। पहला, प्रोवाइड्स इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेंट मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। सेकंड, प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स स्कार्स रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआईज। नेक्स्ट, helps in exporting the products of SSIs. Next, provide training to the workers of SSI in various trades. Helps in upgradation of technology. Establishes industrial estates. Provides advisory services. Or last, provide raw material at a reasonable rate. तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरिया में। आज हमने सेवंथ यूनिट की है जिसका नाम है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। थैंक यू बेटा।